नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देख न्यूज में। शाहरुख खान की पठान ने बॉक्स ऑफिस पर वो करिश्मा दिखाया है जिससे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। फिल्म ने पहले दिन जहां भारत में 55 करोड़ रुपए की कमाई की, वहीं दुनिया भर में इसका ग्रॉस कलेक्शन 100 करोड़ के पार पहुंच चुका है। अब दूसरे दिन की कमाई को लेकर जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं वे भी कम चौंकाने वाले नहीं है। शाहरुख खान की पठान एक बहुत बड़े आंकड़े की ओर कदम बढ़ा रही है। पठान ने नॉन हॉलीडे पर 55 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी। दूसरे दिन छुट्टी का है, गणतंत्र दिवस पर लोगों के सिनेमाघरों में भारी तादाद में पहुंचने की उम्मीद थी जो कि पूरी भी हुई। बॉक्स ऑफिस के आंकड़े मुहैया कराने वाली वेबसाइट सेक्निल्क एंटरटेनमेंट ने अपने ट्विटर पेज से शाहरुख खान की पठान के दूसरे दिन के शुरुआती आंकड़ों के बारे में जानकारी दी है। सेक्निल्क के मुताबिक फिल्म लगभग 68 करोड़ रुपए कमा सकती है, जबकि ग्रॉस कलेक्शन में इसकी वेबसाइट ने 80 करोड़ रुपए के आंकड़े लिखे हैं। इस तरह यह शाहरुख खान की और उनके निर्माताओं के लिए काफी ज्यादा बड़ी खबर है। इस तरह बॉक्स ऑफिस नंबर्स ने पठान के बॉयकॉट ट्रेंड की धज्जियां उड़ाकर रखती हैं। हालांकि यह एक रुझान है, असली आंकड़ों पर तस्वीर साफ हो सकेगी। पठान को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है। फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा हैं। फिल्म में शाहरुख खान के अलावा दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम, आशुतोष राणा और डिंपल कपाड़िया भी हैं। इस तरह शाहरुख खान की फिल्म ने जहां बॉक्स ऑफिस को संकट से उबारने का काम किया है, वहीं आने वाली बॉलीवुड फिल्म के लिए भी हौसला अफजाई की है। इस वीडियो में केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देख न्यूज़।